मुस्लिम भाई ईद क्यों मनाते हैं और मक्का में ईद कैसे मनाया जाता है और ईद की शुरुआत कहां से हुई और कब से मनाई जाती है, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में बहुत से अलग अलग धर्म हैं जिनके अलग अलग त्योहार भी हैं। हिंदू धर्म में कई सारे त्योहार होते हैं जिसमें पूरा देश एकजुट होकर उस त्योहार को मनाता है। ठीक इसी तरह हमारे मुस्लिम भाई लोग भी सफलतापूर्वक बहुत से त्योहार मनाते हैं जो हमारे राष्ट्र को खुशियों से भर देता है, और ऐसा दृश्य आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। मुस्लिम धर्म में अनेक त्योहारों में से एक ऐसा प्रमुख त्योहार है जिसका मुस्लिम लोगों के साथ साथ हिंदू धर्म के लोग भी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन उन्हें मुस्लिम भाइयों की तरफ से लजीज सेवैया और बिरयानी खिलाने के लिए दावत दी जाती है। मुस्लिम भाइयों के द्वारा मनाए जाने वाला ये खास त्योहार ईद है जो सुंदरता और मधुर मिलन कराने वाला त्योहार है। इसे लोग ईद उल फित्र भी कहते हैं। ये शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ द एंडिंग फेस्ट, यानी रोजे समाप्ति का त्योहार, और ईद का मतलब है खुशी और आनंद। उसी जगह फित्र का मतलब होता है रोजे की समाप्ति। मुसलमान लोगों का ये मानना है कि रोजे रखने से उनकी रूह पाक होती है और इस दौरान नमाज और कुरान पढ़ने से उनके लिए डर के दरवाजे बंद होते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, कुरान में जकात अल फित्र को अनिवार्य बताया गया है। जकात आपकी कमाई का वो हिस्सा है जो आप गरीबों और मजलूमों के लिए निकालते हैं। जकात दुनिया में हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। ये गरीबों को दिया जाने वाला दान है जिसे रमजान के अंत में लोगों को ईद की नमाज पर जाने से पहले दिया जाता है। मुस्लिम अपनी पूंजी या असेट्स को पवित्र करने के रूप में अपनी सालाना बचत का एक हिस्सा गरीब या जरूरतमंदों को दान करती है। अब बात करते हैं कि आखिर ईद क्यों और कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नौवां महीना है जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि दसवें महीने की पहली चांद की रात ईद की रात होती है। चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है। दोस्तों, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजे रखने की तौफीक दी और ताकत दी और गलत कामों से उन्हें महफूज रखा। रमजान के ही इस पाक महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शीश और इनाम देते हैं, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। सबसे पहली ईद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर की फतह के बाद मनाई थी। अब देखते हैं कि ईद कैसे मनाई जाती है। तो दोस्तों, ईद की शुरुआत दिन की पहली प्रार्थना के साथ शुरू होती है जिसे सलात अल फजर भी कहा जाता है। इसके बाद पूरा परिवार कुछ मीठा खाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह या एक बड़े खुले स्थान पर जाते हैं जहाँ पूरा समुदाय एक साथ खड़े होकर ईद की नमाज को अदा करता है। प्रार्थना के बाद ईद की बधाइयां दी जाती है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। ईद के मौके पर एक खास दावत की तैयारी की जाती है जिसमें एक खास तरह की मीठी चीज शामिल होती है और उसे हम कहते हैं सेवैया। अब बात करते हैं कि आखिर ईद हमें क्या सीख देता है या लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाता है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलो, वैसे ही तुम लोगों के साथ हमेशा रहो। दोस्तों, ईद के दिन एक खास रकम गरीबों और मजलूमों को दी जाती है जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अल्लाह के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही सादगी से ईद मनाया करते थे। एक बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन सुबह फजीर की नमाज के बाद ईदगाह को तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा यतीम बच्चा रोते हुए दिखाई दिया। आप उसके पास गए तो बच्चे ने बताया कि आज ईद का दिन है और उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आप उस छोटे बच्चे को अपने घर ले गए और उससे कहा, हजरत आयशा उसकी माँ है और फातिमा उसकी बहन है। इसके हुजूर साहब ने उस बच्चे को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए, खूब सारा प्यार दिया ताकि उसे अकेलापन बिल्कुल भी ना महसूस हो। इसके बाद वो बच्चा मक्का की गलियों में दौड़ता हुआ गया और कहने लगा कि आज ईद का दिन है और आयशा उसकी माँ है और फातिमा उसकी बहन है। अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिर मक्का में ईद कितने और कैसे इंतजाम के साथ मनाई जाती है। मक्का में ईद चांद रात वाले ही दिन ही शुरू हो जाती है। उस रात वहाँ का माहौल इतना अच्छा होता है जैसे मानिए हर जगह बस बरकत बट रही हो। मक्का में लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि ईद में एक रात पहले से ही वहाँ लोगों की नमाज पढ़ने के इंतजाम होने लगते हैं। हर मस्जिदों में कालीन बिछ जाती है। वहाँ की मस्जिदों में आदमियों के साथ साथ औरतों के लिए भी नमाज पढ़ने के इंतजाम किए जाते हैं। आदमियों और औरतों के बीच में एक पर्दे को टांग दिया जाता है। वहाँ के लोग रात से ही मस्जिदों में जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ईद की नमाज से पहले खजूर खाना सुन्नत है, इसलिए वहाँ की सारी मस्जिदों में खजूर बांटा जाता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि लाखों की तादाद में लोग मक्का आते हैं ईद की नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ आपको हजारों लोग मिल
मिल जाते हैं जो आपके गले लगकर आपको ईद मुबारकबाद देते हैं, और कुछ लोग तो नामा के बाद जमजम का पानी और खजूर बांटना शुरू कर देते हैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। धन्यवाद।